हे गाइस, आज के ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का दिल से दिल से दिल से स्वागत है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली गाइस, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स 08i के गेमिंग रिव्यू के बारे में, और जानेंगे कि 15,000 रुपये के प्राइस रेंज में क्या ये फ़ोन आपको गेमिंग के लिए लेना चाहिए भी या नहीं। क्योंकि गाइस, इस फोन में आपको देखने को मिलता है 8GB एंड 128GB वाला वेरियंट ओनली 15,000 में। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। 15,000 रुपये के प्राइस रेंज में यहाँ पे आपको 8GB एंड 128GB वाला वेरियंट प्रोवाइड करता है ये स्मार्टफोन। क्या ये गेमिंग स्मार्टफोन है भी या नहीं, ये आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारी आज के अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन्फिनिक्स 08i के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे 90Hz रिफ्रेशिंग रेट वाला एक फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा विद नॉर्मल टच सैम्पलिंग रेट के साथ में। तो 15,000 रुपये के प्राइस रेंज में यहाँ पे आपको 90Hz वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो ये भी पॉइंट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बात कर लेते इसके बैटरी रिक्वायरमेंट के बारे में, तो यहाँ पे आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी विद 33W फास्ट चार्जर के साथ में। तो बैटरी के मामले में यहाँ पे आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता, चार्जर यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। और बात कर लेते इसके रैम और रोम के बारे में, तो रैम में आपको LPDDR4X रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और रोम में आपको देखने को मिल जाएगा UFS 2.1 रोम का सपोर्ट। तो जो आपका यूजर एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्टर ये स्मार्टफोन कर देगा। और बात कर लेते इस फोन के सबसे बड़े हाईलाइट एंड इस फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है मीडियाटेक का G90T। जैसे आपको मीडियाटेक का G90T देखने को मिलता है, जो कि आपको रेडमी नोट 8 प्रो में देखने को मिलता था, और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में तो आप सभी को पता ही है। लेकिन यहाँ पे आपको पबजी मोबाइल में थोड़ा चेंजेस देखने को मिल जाएगा, और वो चेंजेस क्या है वो आपको मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, बात कर लेते हैं इसके अदर फीचर के बारे में, जैसे कि इसके सेंसर्स। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे सेंसर्स मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग फिजिकल जायरोस्कोप, और इसके डिस्प्ले में यहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का भी प्रोटेक्शन दिया गया है। तो गाइस, ये तो होगी थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन। आगे चलते और जानते हैं प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के बारे में, कि ये फोन प्रैक्टिकली आपको किस टाइप की गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। वैसे G90T आपको पता ही होगा गाइस कि कितना पावरफुल है, और G90T जो है वो एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, प्लस ये जो प्रोसेसर है वो 12nm पे बेस्ड है। तो गाइस, बात कर लेते हैं पबजी मोबाइल के ग्राफिक्स के बारे में, कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको कौन से ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो बाय डिफॉल्ट ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं वो देखने को मिल जाएगा स्मूथ में अल्ट्रा। जैसे यहाँ पे आपको स्मूथ में 40fps का सपोर्ट दिया गया है, जबकि रेडमी नोट 8 प्रो में आपको स्मूथ में एक्सट्रीम ऑफर कंपनी बाय डिफॉल्ट कर दी थी, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्मूथ और अल्ट्रा में यहाँ पे स्टक कर दिया है इसके ग्राफिक्स को। लेकिन आप इसमें GFX2 लगा के इसे एक्सट्रीम तक पुश कर सकते हैं। बात कर लेते इसके हाइस्ट ग्राफिक्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको बैलेंस में भी अल्ट्रा देखने को मिल जाएगा, और HD में यहाँ पे आपको हाई ग्राफिक्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और HDR फोन सपोर्टेबल नहीं है। और बात कर लेते स्मूथ और अल्ट्रा के गेम प्ले के बारे में, तो G90T में यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि हम सभी को पता ही है। लेकिन फिर भी हम बात कर लेते इसके FPS मेंटेनेंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको ओवरऑल TDM में इसने 39 से लेकर 40 के बीच में FPS प्रोवाइड किया है, कहीं पे भी 38 तक इसके FPS गए ही नहीं है। तो TDM में FPS इसने बहुत ही ज़्यादा तगड़े तरीके से मेंटेन किया है 40fps में। और बात कर लेते सेनॉक बूट कैंप के बारे में, जहाँ पे बहुत सारे एनिमीज एक साथ उतरते हैं, और उस कंडीशन में काफ़ी सारे स्मार्टफोन फ्रेम फ्लक्चुएशन करते हैं। तो क्या इन्फिनिक्स 08i के साथ में भी यही प्रॉब्लम देखने को मिलती है या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो बात कर लेते सेनॉक बूट कैंप के बारे में, तो जब आप प्लेन से जंप करोगे तो उस टाइम पे इसका जो FPS है वो सडनली 32 तक ड्रॉप चला जाता है, लेकिन वो पलक झपकते ही रिकवर हो जाता है। और सेम केस वहाँ पे आपको लैंडिंग में भी देखने को मिलता है, लैंडिंग में भी यहाँ पे आपको 32fps का ड्रॉप देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो फटाफट से रिकवर हो जाता है, क्योंकि लिटरली सभी फोन में आपको यही सिचुएशन देखने को मिल जाएगी। लेकिन बात करते ओवरऑल इंटेंस सिचुएशन की, जब आप बहुत सारे एनिमी से सराउंडेड हो तो उस समय पे ये कितने FPS मेंटेन कर पाता है, तो कैसे मैं बताता हूँ कि उस समय में भी इसमें आपको 38 से लेकर 40fps तक बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से प्रोवाइड करता है। बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन में इसके जो FPS है वो 35 तक भी चले जाते हैं, और कुछ कुछ कंडीशन में यहाँ पे जो FPS है वो 35 से लेकर 37 तक फ्लक्चुएट करते हैं। लेकिन ओवरऑल आपको जो पूरे गेम प्ले में भले ही इंटेंस सिचुएशन हो, तो उस कंडीशन में भी इसने 38 से लेकर 40fps तक बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से मेंटेन किया है। तो नो डाउट 40fps में आप बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से इसमें गेमिंग कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं इसकी हीटिंग के बारे में, 28°C एम्बिएंट टेम्परेचर पे इसका जो टेम्परेचर गया है 30 मिनट्स के गेमिंग के बाद में वो गया है 40°। तो यहाँ पे आपको ओवर हीटिंग वाला भी सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। और बात कर लेते हैं बैटरी ड्रेन के बारे में, तो लिटरली 30 मिनट्स के गेमिंग के बाद में इसमें जो मैक्सिमम आपको बैटरी ड्रॉप देखने को मिलता है वो 6 से 7% का देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट बैटरी के मामले में भी ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देगा, बैटरी ड्रेन भी यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। तो कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो कि आप इस फोन में बहुत ज़्यादा तगड़ी तरीके से 40fps में गेम प्ले कर पाएंगे, चाहे आप सेनॉक बूट कैंप कर रहे हो, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपको ये 38 से लेकर 40 के बीच में बहुत ज़्यादा तगड़ी तरीके से FPS जो है वो प्रोवाइड कर देगा, और बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन में इसके जो FPS है वो 35 तक भी जा सकते हैं। और बात करते हैं हीटिंग के बारे में, तो हीटिंग में यहाँ पे आपको ओवर हीटिंग वाला सिस्टम देखने को
नहीं मिलता है, फोन लैग भी नहीं होता है और यहाँ पे आपको ग्राफिक्स में भी कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। और बैटरी ड्रेन की बात करें तो बैटरी बैकअप भी इसका काफी ज्यादा अच्छा है। तो अगर आप गेमिंग के लिए स्मार्टफोन ढूंढ रहे तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि 15,000 रुपए के प्राइस रेंज में इससे अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस आपको कोई भी स्मार्टफोन प्रोवाइड नहीं करेगा। और यहाँ पे आपको 8GB एंड 128GB वेरिएंट भी देखने को मिल जाता है 15,000 रुपए के प्राइस रेंज में, प्लस इसका जो डिस्प्ले है वो 90Hz वाला भी है। तो यहाँ पे आपको काफी सारे बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं 15,000 रुपए के प्राइस रेंज में। तो अगर आप गेमिंग के लिए स्मार्टफोन ढूंढ रहे तो infinix 08i बहुत ज्यादा तगड़ा ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। बाकी आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन बताई आप उससे रिलेट कर पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भाई क्या कर रहे हो भाई, लाइक करो यार, शेयर करो। और हाँ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।